हरियाणा में खाप पंचायत और किसानों ने दिल्ली रोहतक हाईवे को जाम कर दिया है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए हैं। नीचे से दिल्ली रोहतक हाईवे गुजरता है तो ऊपर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जाता है। प्रदर्शनकारी केएमपी पर भी बैठे थे लेकिन पुलिस ने वहां से उन्हें खदेड़ कर आवाजाही शुरू करवा दी है। दिल्ली रोहतक हाईवे पर अब ये जाम शाम 4 बजे तक लगा रहेगा। प्रदर्शनकारी भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी, किसानों की कर्ज माफी, फसलों पर MSP समेत 25 मांगे कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बात नहीं सुनी तो मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। उन्होंने हरियाणा बंद की मांग की थी लेकिन इस जाम को छोड़कर कहीं भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली रोहतक हाईवे बंद होने के कारण रोहतक से रोजाना दिल्ली की तरफ जाने वाली सैकड़ों वाहनों को जाम में फंसना पड़ा है। हालांकि गांव के अप्रोच रोड के जरिए उन्हें टिकरी बॉर्डर की तरफ डायवर्ट किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक की तरफ जाने वाले वाहनों को भी गांव के अप्रोच रोड से ही निकाला जा रहा है। खाप और किसान संगठन के आह्वान पर अगर पूर्ण रूप से हरियाणा में बंद का व्यापक असर दिखता तो इसका प्रभाव राजधानी दिल्ली पर भी साफ दिखाई दे सकता था, क्योंकि रेल और बसों से रोजाना लाखों यात्री दिल्ली आना जाना करते हैं। इतना ही नहीं, बंद के साथ साथ दिल्ली में पानी, सब्जी और दूध की सप्लाई भी बंद करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक दूध और सब्जी की सप्लाई रोकने जैसी कोई भी सूचना किसी भी जगह से सामने नहीं आई है। 14 जून को हरियाणा बंद के साथ 18 जून को भारत बंद का ऐलान भी पहले से किया गया है। इसके लिए अलग अलग प्रदेशों में खाप प्रतिनिधियों, संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों से आह्वान किया गया है। 25 मांगों को लेकर 21 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। MSP, कर्ज माफी और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर यही 21 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।